वहीं उद्योग श्रम एवं रोजगार और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी रविवार को थलोट के पास हुई दुर्घटना स्थल का दौरा किया और लापता छात्रों को तलाश करने के लिए जारी सर्च ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने डैम स्थल पंडो में तेलंगाना के गृह मंत्री एन नरसिंह रेड्डी और छात्रों के माता पिता व अभिभावकों से भी मुलाकात की और इस दुग्ध घटना पर गहरा शोक प्रकट किया। उन्होंने लोक निर्माण वन विभाग और लार्जी परियोजना प्रबंध को ब्यास नदी और अवैध खनन के लिए बनाए गए संपर्क मार्गों को 7 दिनों के अंदर बंद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खनन विभाग से अवैध खनन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए और संबंधित बोर्ड भी लगाए जाने की बात कही। उन्होंने खनन निदेशक को प्रतिबंधित क्षेत्रों में खनन करने वालों को 25,000 रुपए तक जुर्माना करने, नियम अनुसार कार्रवाई करने के भी आदेश दिए।